सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिस्टर इंडियन टेक और पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस्टर इंडियन टेक एंड एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास बेल आइकन है इसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। उससे होगा कि जब भी मैं कोई नई एंटरटेनमेंट वीडियो जो भी नई टेक्निकल मोबाइल इंटरनेट एंड्रॉइड जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो को देखने से मिस नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी लैपटॉप विंडोज़ जिस किसी से भी जो भी आपके पास है सॉरी विंडोज़ 7 XP जो भी उसमें आप फोटोशॉप में अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं या फिर बैकग्राउंड इरेज कैसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे हटा सकते हैं, तो वही मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इसके लिए आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करने की ज़रूरत है सबसे पहले। तो अगर आपको नहीं पता कि फोटोशॉप कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने विंडोज़ में तो दोस्तों उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों उसके सब अगर आपने पहले से इंस्टॉल करके रखा है फोटोशॉप तो इसको इंस्टॉल कर दीजिए ओपन कर दीजिए। आप फोटोशॉप का 7.0 का वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने, वो अच्छा है लेटेस्ट वर्जन है। तो दोस्तों इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे तो उसके बाद देख लीजिए दोस्तों ये ओपन हो जाएगा। बस हमें अब इसके बाद अब हमें फ़ोटो सेलेक्ट करनी है जिसको भी हम यहाँ पे जिसका भी हम बैकग्राउंड रिमूव या चेंज करना चाहते हो। तो दोस्तों मैं फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ से, रुकिए यहाँ पे मैं मेरी फ़ोटो को सेलेक्ट कर रहा हूँ कौन सी जो मेरी फ़ोटो है। तो दोस्तों रुकिए थोड़ा कुछ, तो देखिए दोस्तों मेरे कोई भी मेरी एक फ़ोटो है वो यहाँ से ले ली है और फोटोशॉप में इसको खींच के यहाँ पे ला दिया मैंने। तो देखिए दोस्तों उसके बाद बस कुछ नहीं करना, जैसे ही आपकी फ़ोटो आ जाती है बाद में बस आपको यहाँ से कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये वाला जो टूल है देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रॉप पे जाना है। क्रॉप पे जाने के बाद आपने अपनी फ़ोटो को क्रॉप पे नहीं जाना है, बस आपको सबसे पहले ये क्रॉप के ऊपर वाला टूल है ना कटिंग टूल देख लीजिए दोस्तों पॉलीगोनल लेसो टूल है, पता नहीं ये क्या नाम है इसका पॉलीगोनल लेसो, इस टूल पे क्लिक करना है दोस्तों। सॉरी क्रॉप पे नहीं करना था पहले, मैंने पता नहीं ये यही वाला सॉरी बोलना था गलती से ये बोल दिया। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे टूल ये कट पॉलीगोनल टूल लेसो टूल ये है कटिंग वाला टूल, ये आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से उसके बाद अपनी फ़ोटो को यहाँ से आपको दोस्तों धीरे धीरे यहाँ से कट करना है। देखिए दोस्तों कट आपको एकदम अच्छे से करना है दोस्तों ताकि आपकी फ़ोटो अच्छी रहे, वरना आप अगर एंगल टू एंगल कट नहीं करेंगे तो आपकी फ़ोटो भी सही नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ से अभी थोड़ी वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं पूरा यहाँ से दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने, इसके लिए मैं फ़ोटो को सबसे पहले कट कर देता हूँ। तो दोस्त ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से अभी मेरे फ़ोटो को यहाँ से कट कर दिया है, मतलब देख लियो दोस्तों मैंने किस तरह अपने एंगल से एंगल फ़ोटो को कट किया, मतलब पूरी अच्छी तरीके से कट किया है, ऐसे ही आपको फ़ोटो को कट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से कंट्रोल सी दबा देना है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी पेस्ट कॉपी कर दिया है। तो कॉपी करने के बाद कुछ नहीं, बस जैसे ही आपका फ़ोटो है कॉपी हो गया है तो कॉपी होने के बाद बस कुछ नहीं करना आपको यहाँ से दोस्तों बस एक न्यू लेयर बना देनी है। यहाँ से देख लीजिए दोस्तों ये लेयर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आपको एक न्यू लेयर बनानी है। न्यू लेयर बनाओगे उसके बाद ये लेयर वन हो जाएगी, बस उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ये वाली लेयर थी तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है वापस। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ से लेयर यहाँ पे आपको लेयर मैं आपको वापस बता देता हूँ, आपको यहाँ से लेयर क्रिएट करनी है यहाँ पे इस वाले क्लिक पर, यहाँ पे क्लिक करके फिर आपको देख लीजिए दोस्तों ये लेयर वन बन जाएगी। फिर जो आपका जो बैकग्राउंड था ये वाला जो फोटो था उस पर जो ये सीन का क्लिक है इसको यहाँ से हटा देना है और लेयर वन पे ही रखना है। उसके बाद जैसे ही आएगी उसके बाद आपको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना आपकी फ़ोटो को। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे आ गई है, बैकग्राउंड आपका पीछे पूरा क्लियर है एकदम। तो बस यहाँ पे आपको कंट्रोल टी कर देना है, तो यहाँ से इसको आपको एडजस्ट कर देना है कि कहाँ से कहाँ तक रखनी है आपकी फ़ोटो को। तो देख लीजिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ एकदम अच्छी हो गई है। तो उसके बाद एंटर कर देना है, एंटर करने के बाद बस देख लीजिए दोस्तों आपको ये लेयर वन पे हो गए हैं, बस आपका बैकग्राउंड हट गया है। तो अब हमें एक और न्यू लेयर बना देते हैं। तो हम जैसे ही न्यू लेयर बना देते हैं उसके बाद बस आपको ये लेयर बन गई नहीं, बस आपको यहाँ पे वापस लेयर वन पे आना है। लेयर वन जो आपने ये जो आपकी ओनली फ़ोटो की थी जो आपने कट किया था उसके लेयर वन पे आना है। फिर बस आपको यहाँ से कलर चेंज करना है जो भी आप अपना बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हो। तो देख लीजिए दोस्तों मैं यहाँ से अभी सिंपली ये ग्रीन कलर है ब्लू कलर है इसको क्लिक कर रहा हूँ। फिर बस कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे ये बकेट वाला है टूल देख लीजिए पेंट बकेट टूल है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे बकेट है बाल्टी इसको क्लिक करना है।
बस फिर यहाँ पे आपको, सॉरी यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है एक बार, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड भर जाएगा कलर में। तो देख लीजिए दोस्तों जहाँ जहाँ पे नहीं था यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, तो देख लीजिए दोस्तों हमारा फोटो एकदम अच्छा सा बन गया है, बैकग्राउंड भी चेंज हो गया हटके, और नया जो हमने सेलेक्ट किया था वो बैकग्राउंड भी आ गए हैं। तो देख लीजिए दोस्तों बहुत ही अच्छी फोटो बनी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको यहाँ से सेव कर देनी है पिक को, तो कंट्रोल एस पे सेव करके आप अपने यहाँ से जेपीजी, पीएनजी, पीएसडी जो भी करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो यहाँ से सेव कर रहा हूँ मैं डेस्कटॉप पे, तो देख लो दोस्तों यहाँ पे सेव हो गई, सॉरी ये पहले से ही थी मेरी, तो देख लो दोस्तों सेव हो गई है। तो देख लो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कैसी बनी है फोटो हमारी जेपीजी में। तो देख लीजिए दोस्तों ये रही हमारी पिक, तो देख दोस्तों बहुत ही अच्छी पिक बनी है, बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है, और दोस्तों यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट था फोटो का वो भी यहाँ से कट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में बेल आइकन आएगी उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।